हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो जेनेटिक्स से संबंधित है और इसमें जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है चाइना ने अभी एक राइस की नई वैरायटी डेवलप की है जो कि अन्य वैरायटियों की तुलना में 40% अधिक उपज देती है, तो इसलिए ये बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इम्प्रूविंग राइस यील्ड विथ एन एडिशनल जीन। चावल के अपने स्वयं के जीन में से एक को दूसरी प्रति जोड़ने से चीनी चावल की किस्म की उपज में 40% की वृद्धि हुई है। वैसे जो मतलब इस समय जो भी रिसर्च होते थे वो सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है जीन म्यूटेशन या जीन रिप्लिकेशन के ज़रिए होता था, ये लेकिन एक नई टेक्निक अपनाई गई है जीन मॉड्यूलेशन, जो कि ये बहुत ही अच्छी तकनीक मानी जा रही है क्योंकि इसमें किसी बाहरी जीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी ही प्रजाति के जीन की एक कॉपी तैयार करके और उसी से नई किस्म तैयार की जाती है, तो इसे जो है जेनेटिक मॉड्यूलेशन कहते हैं इस टेक्निक को। तो ये चाइना ने अभी इसे अपनाया है जो कि जो लोकल वैरायटी हैं राइस की उनके उत्पादन में बहुत भारी वृद्धि हो सकती है क्योंकि 40% तक की वृद्धि हुई है। तो ये एक बहुत जो 10 क्विंटल जहाँ उपज होती थी वहाँ 14 क्विंटल उपज हो गई है। जब चावल में एकल जीन सिंगल जीन जिसे OSDREB1C कहा जाता है कि दूसरी पर जोड़ी गई तो इसने प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन के उपयोग में सुधार किया, फूलों की गति को तेज किया और नाइट्रोजन को अधिक कुशलता से अवशोषित किया जिससे धान के दाने और बड़े अधिक मात्रा में उत्पन्न किया। तो इस जीन के प्रयोग करने से जिसका नाम है OSDREB1C से प्रकाश संश्लेषण बहुत तेज हुआ, नाइट्रोजन का उपयोग भी पौधे बहुत तेज से और फूल अधिक संख्या में बने जिससे कि दाने सुडौल और भारी हो गए और जो है उत्पादन बहुत भारी मात्रा में प्राप्त हुआ। परिवर्तन करने से पौधों को अधिक उर्वरक अवशोषित करने में मदद मिलती है। ये जीन मॉड्यूलेशन का प्रयोग करने से पौधे जो है उर्वरक उपभोग क्षमता अच्छी कर लेते हैं जिससे कि पौधे बहुत ही स्वस्थ और अच्छे होते हैं जिससे उनके पैदावार की क्वालिटी बढ़ जाती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है यह है कि शोधकर्ताओं ने उसी जीन को फिर से जोड़ा है ना कि किसी विदेशी जीन को जोड़ा गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा होता था कि दूसरे पौधे की जीन लेकर दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र किया जाता था, लेकिन इसमें जो है जीन मॉड्यूलेशन में उसी पौधे की जीन को लेकर उसी पौधे में ही डाला जाता है ना कि कोई विदेशी जीन को जोड़ा जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक मानी जा रही है। इस प्रक्रिया को अनुवांशिक मॉड्यूलन के रूप में जेनेटिक मॉड्यूलेशन के रूप में वर्णित किया गया है। इसे जो है जेनेटिक अनुवांशिक मॉड्यूलन कहते हैं, जेनेटिक मॉड्यूलेशन। यह अनुवांशिक संशोधन का मामला नहीं है
अनुवांशिक संशोधन क्या होता है? किसी जीव की अनुवांशिक संरचना को बदलने की प्रक्रिया को अनुवांशिक संशोधन कहते हैं। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी ने अनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जीव के अधिक सटीक परिवर्तन के लिए विशिष्ट जीन को लक्षित करना आसान और तेज बना दिया जाता है। तो इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में है उसमें किसी भी दूसरी सटीक जीन को लाकर उस पौधे में आसानी से लक्षित करके जो है फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो उसी के जैसे गुण प्रदर्शित करती है। लेकिन ये जीन मॉड्यूलेशन है, उसमें जो है उसी पौधे से जीन को प्राप्त करके जो है ये तैयार किया गया है। तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, इसलिए अब जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर रिसर्च कम होने की वजह से नई नई वैरायटियाँ नई तकनीकें बहुत कम आ पा रही हैं। तो चाइना जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रहा है वो इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अपने यहाँ जो एग्रीकल्चर की रिसर्च पे है उसमें कम बजट दिया जाता है, जिससे कि साइंटिस्ट लोग नए नए रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अपने यहाँ जो है एग्रीकल्चर रिसर्च पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी खाद्य पूर्ति कर सकें और दूसरों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें और हम जो है आत्मनिर्भर बन सकें। इसलिए सरकार को रिसर्च पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब को कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं? तो ये पिछले वीडियो का एक प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं, वो आपको बताना है। तो अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉरेस्ट डिवीजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा ये पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।